हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दफा फिर आपको शामदीद कहते हैं और आज मैं फिर से एक नया परफ्यूम लेकर आया हूं फ्रॉम द हाउस ऑफ इब्राहिम अल कुरैशी। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ ये एक परफ्यूम रिव्यू नहीं करूंगा, बल्कि मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एक ओवरव्यू देने की जो इब्राहिम अल कुरैशी के काफ़ी सारे दूसरे परफ्यूम्स हैं। क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब इनकी शॉप में गया था तो मैंने काफ़ी परफ्यूम्स चेक किए और मुझे लगा कि मुझे वो तमाम इन्फो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो आप ये समझ लें कि ये वीडियो आपके लिए एक गाइड के तौर पे काम कर सकता है फॉर योर नेक्स्ट फ्यूचर परचेजेस। और चलें स्टार्ट करते हैं रिव्यू अपने मेन परफ्यूम का। और इब्राहिम अल कुरैशी की डिफरेंट कलेक्शंस हैं और हर कलेक्शन में किसी में तीन, किसी में चार, किसी में ज़्यादा फ्रेगरेंसेस हैं। और ये परफ्यूम जब भी मैं रिव्यू करूँगा ये उनकी डोस कलेक्शन में से है। डोस कलेक्शन में टोटल चार परफ्यूम्स हैं और जिसकी अभी हम बात करेंगे वो है R2T हैप्पीनेस डोस रोज टोबैको। इन्होंने अपने हर परफ्यूम को एक अलग नाम दिया हुआ है। और अगर आप यहाँ देखें तो ये जो आपको R2T लिखा मिल रहा है और जो इसके ऊपर यहाँ पर डिज़ाइन है बॉक्स पे, ये आपको एक कुछ केमिकल फार्मूला टाइप की फील देता है। तो हर परफ्यूम में ये नाम चेंज होते रहेंगे और फार्मूलाज भी चेंज होते रहेंगे। तो चलें बात करते हैं अभी रोज टोबैको की। रोज टोबैको इज़ बेसिकली द नेम ऑफ फ्रेगरेंस। तो प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। ये परफ्यूम आपको इस तरह के बॉक्स में मिलेगा, बड़ा ही सिंपल सा पिंक कलर का बॉक्स है। यहाँ फ्रंट पे आपको ये नाम लिखा मिलेगा इस परफ्यूम का और ये कुछ साइंटिफिक टाइप का कुछ इन्होंने बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे डिज़ाइन दिए हुए हैं। नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा नाम, ब्रांड नेम, और साइड्स पे कुछ नहीं मिलेगा। टॉप पे एक लोगो या एम्ब्लेम इब्राहिम अल कुरैशी का। बैक पे भी कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ रोज टोबैको मेड इन KSA और ये QR कोड। और फिर यहाँ बॉटम में छोटा छोटा करके आपको पूरे इसके इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। तो ये था इसका बॉक्स और अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी बॉटल। और अगर आप देखें तो ये आपको इस तरह की बहुत ही खूबसूरत सिलेंड्रिकल गोल राउंड बोतल में मिलेगा। इस बोतल की एक बहुत ही थिक ग्लास की बेस है और यहाँ फ्रंट पे आपको वही सेम नाम प्रिंट हुआ में मिलेगा, R2T हैप्पीनेस डोस। और लेकिन जब आप इस बोतल को देखेंगे तो यहाँ साइड पे आपको जैसे स्कूल में बच्चों के स्केल पे, फुट्टे पे जो मेजरमेंट मार्किंग्स होती हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो जो मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाया हूँ वो ये है कि इन लोगों ने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है जैसे कि साइंस लेबोरेटरी में, आपके केमिस्ट्री की लैब्स में इस तरह की ये ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर आप फार्मूलाज तैयार करते थे। और बेसिकली ये स्टाइल जो है R2T और फिर ये सब साइड पे मेजरमेंट्स। सो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू से कि ये इन्होंने कुछ फार्मूला तैयार कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है किसी लैब में। तो ये था कुछ इनके कॉन्सेप्ट के बारे में। और अगर मैं कैप की बात करूँ तो कैप प्लास्टिक का है, बहुत हल्का है, प्रीमियम कैप नहीं है। यहाँ टॉप पे आपको इनका फिर से लोगो मिलेगा इंग्रेव हुआ हुआ, आई होप यू कैन सी इट इन दिस कैमरा। और ये पूरा हिस्सा भी यहाँ पे ब्लैक कलर में है, एटमाइजर भी ब्लैक है। एटमाइजर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा जूस थ्रो करता है। अभी मैं यहाँ पे इसको स्प्रे नहीं करना चाह रहा, अदरवाइज इट विल गिव मी ऑलफैक्टरी फटीग। और यहाँ पर अगर आप देखें इधर नीचे इस ब्लैक एरिया में तो आपको दोबारा इब्राहिम अल कुरैशी यहाँ पे इंग्रेव हुआ हुआ मिलेगा। और कैप की फिटिंग बड़ी ज़बरदस्त है, ये आपको एक टिक करके क्लिक का साउंड देगा, हेयर वी गो। तो इससे आप परफ्यूम की बोतल को लिफ्ट भी कर सकते हैं कैप से इजीली, इट्स वेरी सेफ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये थी प्रेजेंटेशन और चलें अब स्टार्ट करते हैं अपने इस परफ्यूम का रिव्यू। मैंने ऑलरेडी इस ब्लॉटर पेपर पे इस परफ्यूम को स्प्रे किया हुआ है, तो चलें लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं रोज टोबैको, तो इसमें एक आपको ब्लेंड मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा रोज और टोबैको का। आई एम वेरी श्योर जो टोबैको लवर्स हैं वो ऑलरेडी थोड़े एक्साइटेड हो गए होंगे। एट द सेम टाइम जो लोग जिनको टोबैको का नोट इतना पसंद नहीं है शायद वो थोड़े से ऑफ भी हो गए हों। तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि हैंग ऑन, वीडियो के एंड तक देखें और आई एम वेरी श्योर कि वीडियो के एंड तक आपको भी ये परफ्यूम पसंद आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले ये कि इस परफ्यूम का कहीं पे भी इंटरनेट पे, इवन कि इनकी अपनी वेबसाइट पे भी कोई नोट्स ब्रेकडाउन अवेलेबल नहीं है। तो इस रिव्यू में मैं आपको जो भी बताऊंगा वो अपनी नोज और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊंगा। तो ये परफ्यूम ओपन होती है एक बहुत ही हैवी डोज के साथ जो कि रोज़ और टोबैको का है। रोज़ इसमें जो है वो बड़ा ही स्वीट, क्रीमी, थिक और हैवी है। जो इसमें गुलाब यूज़ किया गया, अगर मैं उसके बारे में आपको बताऊं, तो जो आपने हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में, इंडिया में
जो हम एक आम पिंक रंग का जो गुलाब, जिसे हम अपनी जबान में देसी गुलाब कहते हैं, जो हम अक्सर अपने घरों के बाहर जो लगाते हैं, उस तरह के गुलाब की इसके अंदर स्मेल है। और इसके अंदर एक बड़ा ही मुझे स्ट्रॉन्ग नोट मिल रहा है हनी का भी। आप अगर ऐसा सोचें कि आप क्रश करें गुलाब की पत्तियों को और आप उसको डाल दें शहद के अंदर, और फिर आप उसके ऊपर एक बहुत ही हैवी डोज डालें वनीला का, वनीला वेरी वार्म स्पाइसी वनीला, और फिर इन सब के साथ आप ऐड कर दें इसके अंदर एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ टोबैको। टोबैको भी जो यहाँ यूज़ किया गया है वो कड़वा वाला वैसा ड्राई और बिटर टोबैको नहीं है, बल्कि इट्स वेरी स्वीट और हर्बल। आप ऐसा समझ लें कि अगर आप शहद के अंदर मिक्स करें गुलाब की पत्तियाँ क्रश करके, वनीला और टोबैको अगर आप उसमें सब डाल दें और उसको अगर आप मिक्स करें और उसको आप हीट पर रखें, तो आपको उस टाइप की इस परफ्यूम में एक फील आएगी। ये परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा स्वीट है, गोरमंड है और डिलीशियस है, क्योंकि इसमें बड़ा ही एक खूबसूरत जो ब्लेंड है हनी और वनीला का, वो इसको एक बड़ी ही प्यारी गोरमंड फील देते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये अनोइंग बिल्कुल भी नहीं है और इट्स वेरी वेल बैलेंस्ड। इन तमाम नोट्स का एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बिठाया गया है। और फिर इसकी बेस में आपको कुछ वुडी नोट्स मिलते हैं, जिसमें मुझे गायक वुड, रोज वुड, मस्क, और मुझे इसमें एक टच फील हो रहा है ऊद का। और फिर इसके ड्राई डाउन में रोज वुड और गायक वुड थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे, इट विल बिकम लिटिल बिट मोर मस्की, और इसकी जो एक गवर्नमेंट स्वीट फील है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इस परफ्यूम को जब आप फर्स्ट टाइम स्मेल करेंगे तो ये आपको बहुत सारे मशहूर परफ्यूम्स की याद दिलाएगा। जैसे कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम स्मेल करेंगे तो आपको ये याद कराएगा डियोर्स के ऊद इस्पहान की, और उसकी थोड़ी देर बाद आपको लगेगा जैसे ऊद इस्पहान को मिक्स किया गया है। थ्री म्यूगलियर का एक परफ्यूम आता है प्योर हवान, वो भी टोबैको हनी बेस्ड है, तो आपको लगेगा जैसे इन दोनों को मिक्स किया गया है। और फिर थोड़ी देर बाद आपको इसमें टॉम फोर्ड के टोबैको विनी के भी विफ्स टाइप की भी आपको इसके अंदर एक फील या वाइब आपको इसके अंदर आएंगी। और उसके बाद 30 से अगर 40 मिनट तक आप जब इसको छोड़ देंगे तो उसके बाद आपको ये याद करवाएगा रिबिन ऊद का एक बहुत मशहूर परफ्यूम है रोज वुड। तो आपको इन सारे परफ्यूम्स का मज़ा मिलेगा इस एक परफ्यूम में। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये परफ्यूम वाकई ही सिमिलर है इन तमाम फ्रेगरेंसेस के? तो आंसर इज नो, ये उन तमाम परफ्यूम्स से सिमिलर नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ उस तरह की ये वाइब्स देता है। आप समझ लें कि ये इन तमाम परफ्यूम्स का एक मिल्कशेक है, बट इन अ वेरी गुड वे और इन अ डिफरेंट वे। ये एग्जैक्ट सेम स्मेल नहीं करता, बट आपको इस तरह के इसके अंदर से वाइब्स आएंगी। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में, और अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वेरी सिंपल, दिस इज 10x10। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही लाउड और बीस्ट मोड फ्रेगरेंस है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है, और लॉन्जिविटी इसकी 14 प्लस आवर्स की है। और आपने जब भी इसको यूज़ करना है आपने नंबर ऑफ स्प्रेज पे ध्यान देना है, आपने इसको ओवर स्प्रे नहीं करना वरना ये आपको चॉक कर देगा। सच अ ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस। आप स्टार्ट में 3 से 4 स्प्रेज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने जब इसको लास्ट टाइम फाइनल टेस्टिंग में अप्लाई किया था तो मैंने इसके 4 स्प्रे किए थे अपनी शर्ट पे, और पूरा दिन ये चलता रहा था और मुझे इसको रिफ्रेश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इवन के प्रोजेक्शन भी इसकी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत देर तक चलती है, ये प्रोजेक्ट करता रहता है। सियाज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से आप गुजर जाएंगे आप अपनी खुशबू महक वहाँ पे छोड़ जाएंगे। तो ये था इसकी प्रोजेक्शन के बारे में। और अब बात करते हैं जेंडर की। जेंडर की बात करूँ तो वन वर्ड, दिस इज़ यूनिसेक्स। लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए बेहतरीन, कोई भी इसको बड़े आराम से लगा सकता है। अगर बात करें एज ग्रुप की तो अगेन वन वर्ड फॉर मैच्योर पीपल, 30-35 प्लस। टीनेजर्स पे इतना सूट भी नहीं करेगा, उतना पसंद भी शायद ना आए, दे कैन ट्राई। सबकी अपनी पसंद होती है, उसमें से अगर आप लोग चाहें तो लगा भी सकते हैं, लेकिन दिस इज़ आई कैन से फॉर मोर मैच्योर पीपल। सीजन की बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि डेफिनेटली इट विल गिव यू बेस्ट एक्सपीरियंस। आपको ये सर्दियों में देगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, एयर कंडीशन आपके ऑफिस है, घर है, गाड़ी है, तो आप इसको समर में भी लगा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा नंबर ऑफ स्प्रेज इसके कम करने पड़ेंगे, एडजस्ट करने पड़ेंगे अपनी लाइकिंग और अपने इन्वायरमेंट आसपास के लोगों के हिसाब से। और चलें अब बात करते हैं कि किस ओकेजन पर लगाया जाए। तो जो सबसे बेहतरीन ओकेजन इस परफ्यूम के लिए हो सकता है वो हो सकती है एक वेडिंग।
जहाँ पे आप एक लाउड परफ्यूम लगा कर जाएँ और इसमें रोज़ हो, टबैको हो, तो ऑलरेडी वेडिंग्स में गुलाब काफ़ी यूज़ करते हैं, तो उसके साथ एक बड़ा ही ज़बरदस्त इसका कम्बिनेशन या सिनर्जी बन जाएगी। उसके अलावा डेट्स पे, डेट सेंट वेरी ब्यूटीफुल, यानी एक छाप छोड़ने वाला आप समझ लें कि ये परफ्यूम है। और फिर उसके अलावा डिनर्स के लिए और स्पेशली रिलीजियस गेट टुगेदर्स के लिए, अगर आपके घर में किसी भी तरह की कोई रिलीजियस गेट टुगेदर है, एनी रिलीजन, आप मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियंस कुछ भी हैं, अगर आप कुछ अपना एक गेट टुगेदर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये एक आपको बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस देगा। और चलिए अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी रेगुलर प्राइस है 200 UAE dirhams, लेकिन आजकल ये ऑफ़र में चल रहा है, 50% ऑफ है इनकी वेबसाइट पे भी, इनकी शॉप पे भी। तो ये परफ्यूम आपको कॉस्ट करेगा 100 dirham और इसकी क्वांटिटी जो आपको मिलेगी वो है 75 ml विद EDP कंसेंट्रेशन। तो ये था हमारा रिव्यू अबाउट R2T हैप्पीनेस डोज रोज टोबैको। और चलें, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको इस परफ्यूम के साथ साथ इनके कुछ दूसरे परफ्यूम्स के बारे में भी एक शॉर्ट सी कुछ आपको इंट्रोडक्शन या कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि आपको हेल्प करेगा आपके नेक्स्ट परचेजिंग में, आपको नेक्स्ट परफ्यूम इनकी वेबसाइट से या इनकी शॉप से बाय करने के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसी कलेक्शन से, डोज कलेक्शन से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी इस डोज कलेक्शन में टोटल 4 परफ्यूम्स हैं, जिसमें एक ये R2T था जो हमने रिव्यू कर लिया, और यू कैन से रोज टोबैको। जो दूसरा परफ्यूम इस कलेक्शन में आता है वो है H2M कॉन्फिडेंस डोज हनी मस्क। तो जैसा आप नाम से ही देख रहे हैं कि इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड परफ्यूम, इसमें आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा हनी और मस्क का, कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, और ये भी एक काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस है। अगर आप चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर आपको ऐसी स्वीट मस्की हनी परफ्यूम्स पसंद है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। फिर तीसरा परफ्यूम जो इनकी इस कलेक्शन में आता है वो है SO2 प्राउड डोज स्पाइसी ऊद। इस परफ्यूम की अगर मैं बात करूँ तो ये इंस्पायर्ड वर्जन है फासिक दखून का, एक आता है परफ्यूम शे ऊद, या अगर आपने अर्दल ज़फ़रान का ऊदी यूज़ किया हो, या अगर आपने रसाजी का शुहरा आपने यूज़ किया हो, तो सेम फैमिली, सेम कैटेगरी, ऑलमोस्ट सेम सेंट प्रोफाइल, क्वालिटी भी यहाँ पे बहुत आला है, और इस प्राइस में ये भी एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और चौथे परफ्यूम पे, जो कि है C2A होप डोज सिट्रस एम्बर। और इन चारों में से मुझे सबसे बेहुदा ये लगा हालांकि मुझे उस सेल्स पर्सन ने बताया कि ये उनका सबसे ज़्यादा बिकने वाला परफ्यूम है और लोग लाइक करते हैं क्योंकि ये बहुत लाउड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। और जिस टाइप का ये परफ्यूम था, आई एम श्योर कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, लेकिन इसकी फ्रेगरेंस, इसका सेंट प्रोफाइल मुझे बहुत बुरा लगा। इट वॉज वेरी सोपी, बिल्कुल साबुन की तरह, या जो हम कपड़े धोते हुए जो सर्फ यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट, ये बिल्कुल उस टाइप की इसकी फील थी। और सिट्रसी कुछ लेमनी नोट्स थे, लेकिन यार बहुत ही बेहुदा परफ्यूम था। लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग ज़रूर चेक करें जाके, शायद आपको ये पसंद आए, लेकिन मेरे लिए दिस वन, द फोर्थ वन, इज़ अ बिग नो। और इन चारों परफ्यूम की, ये जो इनकी इस डोज कलेक्शन में है, इनकी सेम प्राइस है विच इज़ 100 dirham आजकल ऑफर में विद 50% ऑफ। और चलें अब जंप करते हैं इनकी एक दूसरी कलेक्शन पे, जिसको कहते हैं जेम्स कलेक्शन। इसमें भी 4 परफ्यूम्स हैं और बारी बारी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला परफ्यूम इनकी जेम्स कलेक्शन में आता है वो है बालास रोज़। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपको इस तरह की बहुत ही खूबसूरत रेड कलर की बॉटल में मिलेगा। और इस बॉटल का कलर, इसका नाम अगर आप देखें तो आप शायद गेस कर लेंगे कि ये इंस्पायर्ड वर्जन है MFK बकरात रूज 540 का। इट्स वेरी क्लोज, आप कह सकते हैं कि 80-85% सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस इन्होंने शायद खुद जानबूझ के इस पर रखा है, इन्होंने इसमें एक अपना टच दिया है, बट एंड ऑफ द डे ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा कलोन है बकरात रूज 540 का। अगर आपको पसंद है और आप उतने ज़्यादा पैसे उस पर स्पेंड नहीं करना चाहते 800-900 dirham, तो यू कैन गो एंड गेट दिस वन इन 163 dirham। क्वालिटी टॉप नॉच, बहुत ज़बरदस्त, एक अच्छा ऑप्शन। तो दूसरा परफ्यूम जो इनकी इस कलेक्शन में आता है वो है सिट्रीन एम्बर। और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपको इस तरह की गोल्डन एम्ब्री येलो कलर की बॉटल में आपको मिलेगा। इस परफ्यूम की अगर मैं बात करूँ तो ये इंस्पायर्ड वर्जन है टॉम फोर्ड के टस्कन लेदर का। वेरी सिमिलर, वेरी गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी जूस, और इसकी लॉन्जिविटी, परफॉर्मेंस, सब कुछ भी एक बहुत ज़बरदस्त और
आला किस्म का है। और अब जंप करते हैं अपने तीसरे फ्रेग्रेंस पे, विच इज माई फेवरेट फेवरेट इस कलर पे। मुझे ये बॉटल में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर, और ये आपको इस ब्लू कलर की खूबसूरत बोतल में मिलेगा। और जैसा कि आप नाम देख रहे होंगे इसका, विच इज़ सैफायर लेदर, तो ये एक लेदर बेस्ड परफ्यूम है। और ये भी एक बहुत ही मशहूर ब्रांड मीमो पेरिस के एक बहुत मशहूर परफ्यूम आयरिश लेदर का ये एक अल्टरनेटिव है। अगर आपको मीमो पेरिस का आयरिश लेदर पसंद है तो आप जाकर इसको ट्राई करें, आपको उसके 1/4 प्राइस में एक हाई क्वालिटी का उसका अल्टरनेटिव मिल जाएगा। अब आते हैं अपने चौथे परफ्यूम पे, जो कि इमराल्ड ऊद, जैसे आप इस पर देख रहे होंगे। इस परफ्यूम की मुझे इतनी समझ नहीं आई और मुझे इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं आया। जैसे कि इनकी डोज कलेक्शन में एक वो वाहियात परफ्यूम था, तो इस कलेक्शन में भी ये एक परफ्यूम थोड़ा सा माठा है, लेकिन ये उतना बुरा नहीं है जितना बुरा होगा वो सिट्रीन एम्बर था। स्टिल यू कैन गो एंड चेक इट आउट, मे बी आप लोगों को ये पसंद आए। और चलें अब जंप करते हैं इनकी तीसरी कलेक्शन पे, जो कि ये इन दोनों से थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम है, और इस कलेक्शन का नाम है माफिया कलेक्शन। और इसमें टोटल आते हैं 3 परफ्यूम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले परफ्यूम से, जो कि है सैंडलवुड। ये परफ्यूम मैं ये तो उसको गेस नहीं कर पाया कि ये किस परफ्यूम का अल्टरनेटिव है, लेकिन बाई इट्सेल्फ एक बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम था। सैंडलवुड बेस इसकी फ्रेगरेंस है, सैंडलवुड का नोट बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत यूज़ किया गया है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको सैंडलवुड बेस परफ्यूम्स पसंद हैं तो आप इसको चेक करें, आई एम श्योर आपको ये पसंद आएंगे। और इसकी प्राइस है आफ्टर 50% डिस्काउंट 200 दिरहम्स। और फिर इस कलेक्शन में जो इनका दूसरा परफ्यूम है उसका नाम है मस्क कश्मीर, और ये परफ्यूम अल्टरनेटिव है एक बहुत ही महंगे मशहूर परफ्यूम के, जिसका नाम है एम्बर ऊद फ्रॉम द हाउस ऑफ रोजा डव। रोजा डव की प्राइस मार्केट में अराउंड 2000 दिरहम है, और ये आपको यहाँ पे 200 दिरहम में, इट्स जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस, आपको ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बेशक इसकी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है जितनी रोजा डव की होती है, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत नेचुरल यूज़ किए जाते हैं, लेकिन स्टिल ये उसके बहुत पास पास है। जितना फ़र्क इनके पैसों में है उतना फ़र्क क्वालिटी में बिल्कुल नहीं है, इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी जूस। तो अगर आपको रोजा डव का एम्बर ऊद पसंद है तो यू कैन गो एंड चेक दिस आउट, डेफिनेटली आपको ये बहुत पसंद आएगा। और अब आते हैं अपने तीसरे परफ्यूम पे, विच इज़ एम्बर ऊद। तो इस परफ्यूम को भी मैं गेस नहीं कर सका कि ये किसका अल्टरनेटिव है, लेकिन ये भी एक काफ़ी अच्छा परफ्यूम था, और एम्बर और ऊद बेस जैसा कि इसके नाम में है, ये बड़ा सिंपल सा एम्बर बेस परफ्यूम था, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये थी इनकी वाफिया कलेक्शन। तो ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट इब्राहिम अल कुरैशी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी फ्यूचर परचेजिंग्स के लिए, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन ब्लाइंड बाई करना चाह रहे हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इवन कि अगर आप इनकी शॉप पे जाएं और आपको अगर इतना ज़्यादा परफ्यूम्स का नॉलेज नहीं है, या आपको आपने बहुत सारे परफ्यूम्स टेस्ट नहीं किए हुए, तो मेरे ख्याल से ये आपकी कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करेगी। तो ये था हमारा आज का रिव्यू, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय।